नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फैक्ट्री के अंदर बॉटल कैसे बनती है। सो बॉटल बनाने के लिए ब्लो मोल्डिंग मशीन का उपयोग होता है। जो आप अभी देख रहे हैं वो ब्लो मोल्डिंग मशीन का एक पार्ट है। इसके अंदर ये जो ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है उसको हम प्रीफॉर्म बोलते हैं। सो प्रीफॉर्म से बॉटल को ब्लो करना होता है। सो अभी प्रोसेस कैसे होता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये भाई साहब वन बाय वन ये प्रीफॉर्म रखते जा रहे हैं। ये प्रीफॉर्म आपको मार्केट से तैयार इजीली मिल जाता है। अलग अलग साइज़ के हिसाब से, अलग अलग बॉटल के हिसाब से आपको प्रीफॉर्म तैयार मिल जाएगा। सो आप जैसे प्रीफॉर्म इसके अंदर रखेंगे वो घूम के फिर वापिस आएगा। जब वो वापिस आता है तो वो गर्म होके आता है, तो वो क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है। पहले क्या वो हार्ड होता है, जब वो गर्म होके वापिस आता है तब वो सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि जब हार्ड होता है तो उसको ब्लो करने में दिक्कत होती है, उसके लिए उसको सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे एक बार सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये दूसरा मशीन है, दूसरे मशीन को उसके अंदर आपको प्रीफॉर्म रख देना है। जैसे ही आप प्रीफॉर्म रखोगे ऊपर से सिलेंडर आएगा और वो एयर का प्रेशर देगा उसको। एयर से जब प्रेशर मिलेगा तो बॉटल जो भी मोल्ड का शेप है ना वो मोल्ड का शेप ले लेगा और फिर अपने आप वो मोल्ड खुल जाएगा बॉटल बनने के बाद और अपने आप बॉटल नीचे गिर जाती है। तो ये सिंपल प्रोसेस है बॉटल फैक्ट्री में बनता है। इसमें अलग अलग मशीन का टाइप आता है, फुल्ली ऑटोमेटिक भी आता है। अभी ये जो मशीन है वो सेमी ऑटोमेटिक है। इनिशियल स्टेज में अगर आपको चालू करना है तो ये मशीन से आप इजीली चालू कर सकते हैं। नहीं तो आप देख सकते हैं कि दो बंदे आराम से इसको कैसे प्रोडक्शन निकाल रहे हैं कि एक बंदा प्रीफॉर्म रख रहा है, दूसरा बंदा प्रीफॉर्म उठा रहा है। जनरली स्टार्टिंग बेस होता है तब एक बंदे की ज़रूरत, दो बंदे की ज़रूरत पड़ती है। वन टाइम अगर बंदा ट्रेन हो गया फिर एक बंदा इजीली इसको हैंडल कर लेता है। आप देख सकते हैं कि कैसा बॉटल का परफेक्शन आ रहा है, कि जो डाई का शेप है एग्जैक्ट उसी टाइप का बॉटल बन जाएगा। क्योंकि एयर 20 HP का कॉम्प्रेसर लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर से एयर थ्रो करता है बॉटल के अंदर, तो जो भी डाई का शेप है ना उस तरीके से बॉटल बन जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर बॉटल बन रही है और 1 लीटर का बॉटल हमने अभी रखा हुआ है इसके अंदर, तो 1 लीटर का बॉटल अभी बन रहा है। तो जैसे जब प्रीफॉर्म गर्म करना है उसको उठा के मशीन में रखना है, अपने आप बॉटल गिरती रहेगी। ये मशीन की एवरेज कैपेसिटी होती है कुछ 900 से 1000 बॉटल आराम से 1 घंटे में निकाल देती है। और अगर बंदा ट्रेन हो जाता है तो आराम से वो 1200 तक भी निकाल देता है। बट ऑन एन एवरेज 1000 बॉटल की हमें कंसिडर करके चलना है कि 1000 बॉटल के आसपास ही इसमें निकलता है। अभी इस मशीन के लिए हमें चाहिए एक चिलर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चिलर रखा है जिसका काम है मोल्ड और मशीन को, यानी कि जो हीटर है उसको ठंडा रखना। उसकी वजह से क्या होता है कि वो नीचे नेक ठंडा रहता है। और ये 20 HP का हाई प्रेशर कॉम्प्रेसर है। आप देख सकते हैं 20 HP का हाई प्रेशर कॉम्प्रेसर है जिसमें हवा अपने आप बनती जाती है और सीधा वो पास होता है मशीन के अंदर और मशीन फिर कॉम्प्रेसर जो सिलेंडर है उसको फिर बॉटल ब्लो करता है। और 20 HP का कॉम्प्रेसर है, यानी कि इसके लिए आपको टोटल पावर कनेक्शन चाहिए। 32 HP का पावर कनेक्शन टोटल आपको चाहिए ताकि ये पूरा कम्प्लीट सेटअप आता है इसमें। इसमें हीटिंग टनल, देन ये ब्लोइंग मशीन, उसका कॉम्प्रेसर और चिलर, ये पूरा कम्प्लीट सेटअप आपको लेना पड़ता है। ये कम्प्लीट सेटअप लेके आप कोई भी बॉटल बनाने का बिजनेस चालू कर सकते हैं। आप अलग अलग टाइप की बॉटल बना सकते हैं, जैसे ऑयल की बॉटल है या फिनाइल की बॉटल है, पानी की बॉटल है, यानी कि ऑयल टाइप ऑफ पेट बॉटल आप इसमें बना सकते हैं। जो आप SDP बॉटल, यानी कि जो कलरिंग बॉटल आती है जैसे पार्ट लुब्रिकेंट ऑयल का डब्बा है, वो सब बॉटल इसमें नहीं बनता है क्योंकि वो मशीन अलग होता है, उसको HDPE ब्लो मोल्डिंग मशीन बोलते हैं। ये बॉटल को पैट बॉटल ब्लो मोल्डिंग मशीन बोलते हैं, टेक्निकल इसको पैट ब्लोइंग मशीन बोलते हैं। ठीक, तो बस इसमें बॉटल रखते जाना है, प्रीफॉर्म रखते जाना है बॉटल, और उसको उठा के फिर ब्लोइंग में रखना है तो अपने आप वो ब्लो हो जाएगी। पर आराम से इसमें आप बॉटल बना सकते हैं।